is Anshu. Welcome to my motivational zone once again. How are you, friends? Today I'm going to talk about 5 C's of life. क्या हैं ये 5 C's of life? आपको इन कौन से C's का ध्यान रखना है अपनी लाइफ में? आप चाहें वाइफ हैं किसी की, आप चाहें हस्बैंड हैं किसी के, आप चाहें ब्रदर हैं किसी के, आप चाहें फ्रेंड हैं किसी के, आप चाहें सन और डॉटर हैं किसी के, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. इट मीन्स 5 C's ऑफ लाइफ. तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो कैसे ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों का? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सी ऑफ लाइफ, दैट इज कम्युनिकेशन. सी फॉर कम्युनिकेशन. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके किसी भी रिलेशनशिप में आती है, चाहे आप ब्रदर सिस्टर हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप फ्रेंड्स हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है. कोई प्रॉब्लम आए, 4 लोगों से होकर बात आएगी, उससे पहले आप खुद अपनी बात कह दीजिए. वेरी सिंपल, आप अपने आप समझा दीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या बातें थी, क्या क्या आप मिसकम्युनिकेट हुए, कैसे हुए. कोई भी बात आपके माइंड में रह रही है, अगर चल रही है, अगर आप उसे क्लियर कर दीजिए, बस बिंदास, देन लाइफ बहुत इजी हो जाए. सेकंड सी की बात करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, केयरिंग. एक दूसरे की केयर करना. जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, आपके मन में वो फीलिंग नहीं होगी. जब सब लोग खुश होते हैं तो हर कोई साथ निभाता है, पर जब आप परेशान होते हैं, आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं? यू मीन केयर करते हैं आप? आप अगर केयर करते हैं सच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि लोग भी आपको धीरे धीरे समझ जाएंगे. चाहे आपकी आप अपनी नज़रों में आपको लगता हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर एक ना एक दिन उनको समझ आ ही जाएगा कि आप लोगों की कितनी केयर करते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस सेकेंड सी ऑफ लाइफ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप केयर करेंगे तो दूसरे भी आपकी धीरे धीरे आपका नेचर समझ के आपको वाइस वर्सा केयर करने लगेंगे. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द सेकेंड सी. थर्ड सीज, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कमिटमेंट. आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया, कभी गुस्से में और कभी बहुत एक्साइट होकर. कभी भी ना करें. कमिटमेंट एक्साइटमेंट में नहीं होता है, बहुत ही सोच समझ के कमिटमेंट करें. अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप ऐसे कमिटमेंट मत करिए. आपको नो कहना भी आना चाहिए, और अगर जो आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया, देन यू हैव टू फॉलो दैट, राइट? सो कमिटमेंट में बहुत ध्यान रखें, और कभी भी गुस्से में कमिटमेंट ना करें. अरे ये पर्सन तो कहाँ हमारी लाइफ में आ गया, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था. तो इस तरीके के कमिटमेंट पता नहीं कब पीछा छूटेगा. कभी भी ना करें. इस तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी. तो कमिटमेंट बहुत सोच समझ के करें. सो यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थर्ड सीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ सीज, कॉम्प्रोमाइजेस. बहुत सारे लोग इसका मतलब ही नहीं समझते, कहते हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एडजस्ट करना है. No, this is not the true meaning of compromises. कभी भी इसको इसका मतलब नहीं समझिए. हम कई बार ना मतलब निकालने में ही रह जाते हैं. हम इंडियन पीपल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब बहुत जल्दी निकालते हैं. अगर हम कॉम्प्रोमाइज वर्ड की बात करेंगे फोर्थ सीज, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि अरे हमसे नहीं होगा ये एडजस्टमेंट. तो इट्स नॉट एडजस्टमेंट. कॉम्प्रोमाइजेस मीन्स कम टूगेदर. वेन यू आर कमिंग टूगेदर to solve others' problem, that is called compromises. Means come together to do some promises. एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करना, उनका साथ निभाना. दुख है सुख है, हर समय उनके साथ खड़े रहना, स्टैंड रहना. तो ये चीज़ आपकी कॉम्प्रोमाइज के साथ आती है. हमेशा ये नहीं है, हमेशा हर टाइम एक साथ नहीं रहता है. लाइफ कैसी है पता है? लाइफ इज नॉट स्ट्रेट. When you are having a straight life, it means you are dead. No, life hamesha ups and downs ke saath aati hai. It means you are survived.
आप सर्वाइवल कर रहे हो, आप अलाइव हो. सो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है दूसरे के साथ आने के लिए, हमेशा उसका साथ देने के लिए, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, स्पाउस हो, या फिर ब्रदर सिस्टर हो, ननद भाभी हो, एंड सो ऑन. सो आई थिंक ये 5 C's आपके बहुत काम आने वाले हैं. और लास्ट वाला जो सी है वो है दैट इज करेज. और ये सब कैसे होता है? जब आपके अंदर करेज होता है, आप किसी के लिए हमेशा स्टैंड होते हो, आप साथ निभाने के लिए तैयार होते हो और कुछ भी करने को तैयार होते हो, मगर साथ नहीं छोड़ते. कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते नहीं इसको प्रॉब्लम आ गई अब नहीं, नो नॉट एट ऑल, नहीं, आप हमेशा साथ निभाते हो. दैट्स कॉल्ड करेज. सो आई होप बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, यू बेसिकली एंजॉय माई वीडियो एज वेल एज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजू.